Hello everyone, I am Dr. Avis and once again I welcome you all on my platform Extension Science. आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रसार शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट वर द मेजर एक्सटेंशन प्रोग्राम व्हिच वाज स्टार्टेड आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस. ओके, सो आई होप दिस क्लास विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, नॉट फॉर योर यूजुअल यू नो क्लास एग्जाम बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फ्रेंड्स, एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, वी आर गोइंग टू टॉक टूडे अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया. सो सी फ्रेंड्स, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फोकस, एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम बट इन दिस सेशन आई विल फोकस ओनली ऑन मेजर थ्री मेजर प्रोग्राम, दैट इज इटावा पायलट प्रोजेक्ट, निरोखरी प्रोजेक्ट एंड सेवाग्राम स्कीम. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो एज यू ऑल आर अवेयर, इवन बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी एज ए नेशन वर फेसिंग सीवियर क्राइसिस ऑफ फूड शॉर्टेज. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द 1943 बंगाल फेमाइन. आपने निश्चित रूप से कृषि में या आपने पढ़ा होगा कि 1943 में बंगाल फेमाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा. वहाँ पर क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द फूड शॉर्टेज, यू नो लाइक खाद्यान्न की कमी की वजह से अराउंड एस्टिमेटेड फिगर इज दैट 3 मिलियन पीपल गॉट डाइड बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन. मतलब 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी या उनकी डेथ हो गई थी भूख की वजह से. तो By this, you know, like crisis, you can understand the kind of crisis, the kind of food shortage crisis that we were facing as a nation when we got freedom. So this was the major, you know, challenge. Besides some political, social, and economic challenges, we were facing extreme challenge of food insufficiency. In that context, when we got freedom, our first and foremost priority was to increase agricultural production. Okay, so there was a urgent need for stepping up of food production, as it was realized even as I was telling you before we got independence. So Grow More Food campaign was started, as you and you know very well, Grow More Food campaign, अधिक अन्न उपजाओ, ये एक योजना थी which was started way back in the year 1943 itself. Okay, and which got continued even after the when we got freedom. So under this campaign, targets for agricultural production, increased agricultural production were laid down for the first time on all India basis. इस ग्रो मोर फूड कैंपेन में एक तरीके से ये टारगेट बेस्ड अप्रोच दिया गया कि क्या नाम है, एक तरीके से अधिक अन्न उपजाने के लिए, है ना, या खाद्यान्न की मतलब अधिक उपज को बढ़ाने का प्रयास इस जो है कार्यक्रम में किया गया. बट बिकॉज ऑफ मतलब सम रीजन, देयर वर सर्टेन टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ जो एंड फाइनेंशियल रीजन, दिस प्रोग्राम कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. ओके, सो सून आफ्टर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, सेंट्रल गवर्नमेंट रीडिफाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रो मोर फूड कैंपेन. As the earlier it was to increase, you know, like crop, increase food production, and then this war is devised to attain self-sufficiency. You know, खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है, यह जो है ऑब्जेक्टिव तय किया गया. तो इसी प्रक्रिया के, इसी यू नो लाइक प्रयास के अंतर्गत बहुत सारे राज्य सरकारों ने लोगों के साथ मिलकर के बहुत सारे अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम शुरू किए गए. ठीक है, तो उस लिस्ट में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू नो एफर्ट वर्ड मेड. सो आई विल जस्ट शो सर्टेन लिस्ट ऑफ दोज प्रोग्राम हियर, बट आई विल नॉट discuss in detail right now, but we will discuss in detail in some other class also. So I will discuss only one by one what were the major post independence extension program which was run by the various states and central government. Okay, so the first, you know, like project was started in the year 1954
48, if you can see, and its name was Nilokiri experiment. In this session only, we will discuss in detail about this project. आज के इस session में हम नीलोखरी प्रयोग के बारे में, नीलोखरी एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे. एंड देन इन सेम ईयर 1948 देर वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम विच वॉज नेम्ड एज इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड एंड दिस वॉज स्टार्टेड बाई अल्बर्ट मेयर, है ना. एंड देन ऑफकोर्स आई वॉज टेलिंग देर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स वर मेड लाइक CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, कई बार ये परीक्षाओं में बहुत तरीके से पूछा जाता है, कई बार ये एक तरीके से CDP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या कई बार इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं CDP वॉज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर. तो CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1952. एंड देन नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड वन ईयर आफ्टर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, एंड देन ऑफकोर्स वी हैड पंचायती राज, यू नो लाइक, या जिसको हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या पंचायती राज प्रोग्राम बोलते हैं. तो ये जो है भारत में इसकी शुरुआत जो है 1957 में हुई थी. तो इसको हम मेजर रूप से इसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कैटेगराइज कर सकते हैं. बाद में और अन्य प्रयास जो है तकनीकी और सामाजिक और गरीबी इस तरीके से हटाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए. तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो मुख्य तौर पर बहुत सारे प्रोग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे की विलेज स्कीम KVS जिसको शॉर्ट में कहते हैं थे, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1952 इन ऑर्डर टू यू नो लाइक इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन एंड यू नो लाइक इंक्रीज द ब्रीडिंग या क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स, है ना, लाइक ब्रीडिंग क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स इन इंडिया. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ एनिमल्स इन इंडिया. ओके, सो इट वॉज वेरी पॉपुलर प्रोग्राम दैट वी नो की विलेज स्कीम. ओके, बाद में भी और कई प्रयास जो है मतलब एक तरीके से किए गए, जिसमें आप मुख्य तौर पर देख सकते हैं काफ़ी हाईलाइटेड जो था वो था IADP प्रोग्राम, जिसको हम पैकेज प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं. आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इस पर डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर इस पर बनाऊंगा या बात करेंगे इस पर. एंड दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1960 एंड इट्स फुल फॉर्म वॉज इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. ओके, सो दिस प्रोग्राम इनिशियली इट वॉज स्टार्टेड इन द 7 डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर इट वॉज एक्सपेंडेड इन टू 16 डिस्ट्रिक्ट एंड इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम व्हिच इज ऑल्सो नोन एज पैकेज प्रोग्राम एंड इट वॉज स्टार्टेड इन जुलाई 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी. उसके बाद में कुछ अन्य प्रोग्राम शुरू हुए, जैसे कि IAAP की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, जो 1964 में इसकी शुरुआत होती है. और उसके बाद में ICDP एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम. बाद में इसी प्रक्रिया में ग्रामीण विकास की इस प्रक्रिया में और अन्य प्रोग्राम शुरू होते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, अधिक यू नो लाइक अन्न उपजाओ, ये एक तरीके से कार्यक्रम था ये. और इसमें आप देखेंगे कि इसी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के रिजल्ट के तहत जो है भारत में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, वो संभव हो पाया था. और एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आवर कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशियंट एज फार एज फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज कंसर्न. तो जहाँ तक भारत में खाद्यान्न उत्पादन की बात है, खाद्यान्न की बात है, तो उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद जो है हमारा जो देश है वो काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गया. उसके बावजूद भी जो है ये विकास की यात्रा चलती रहती है. और 1974 में एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम होता है TNB ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम. साथ ही साथ 1979 में एक कार्यक्रम आता है जिसका नाम होता है LLP, जिसको हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में बोलें तो इसको बोलते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम. दिस वाज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम व्हिच वाज स्टार्टेड ऑन यू नो लाइक गोल्डन जुबली, एज ए पार्ट ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द ICR. एज यू नो वेरी वेल, ICR वाज एस्टैब्लिश्ड इन 16 July 1929 एंड वंस इट अटेंड द 50 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1979 दिस LLP प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड व्हिच इज
नेम एज लैब टू लैंड प्रोग्राम। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। साथ में इस तरीके से आप देखेंगे देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन लाइक एंड स्टिल देर आर सर्टेन प्रोग्राम आर बींग रन इन ऑर्डर टू डेवलप रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए आज भी बहुत सारे कार्यक्रम जो है हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। तो एक ये विकास की एक प्रक्रिया है। ओके, तो जैसा मैं कह रहा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम ये सब हैं। तो बाकी इस क्लास, आज की क्लास में मैं लिमिटेड रहूँगा, आज की क्लास में मैं सिर्फ डिस्कस करूँ मुख्य तौर पर दो जो है मुख्य कार्यक्रम, जिसका नाम है नीलू खीरी प्रोजेक्ट एंड वी विल टॉक अबाउट द इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, सो इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ओके, सो इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज कंसर्न। ओके, सो एज यू नो वंस वी गॉट फ्रीडम, आई मीन वी वर वेरी न्यू नेशन, वी डू नॉट हैड mechanism, you know, like yeah, administrative mechanism for the carrying out development program, and we as a nation were facing a lot of problem. Food shortage was major problem, then acute poverty in the village was another important problem. तो आप देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के साथ साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होती हैं। उसमें चुनौतियाँ हमारे सामने जो होती हैं वो भुखमरी की होती है, अशिक्षा की होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, और यातायात की सुविधा नहीं होती, संचार साधनों का अभाव होता है। तो आप देखेंगे जो भारत जो है जब स्वतंत्र होता है तो हमारे देश की जो लीडरशिप होती है उसके समक्ष बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। इन सारे चैलेंजेस के बीच में एक जो है कार्यक्रम जो है 1948 में शुरू होता है इस एक विचार के साथ, द आइडिया ऑफ इंटेंसिव ऑल राउंड डेवलपमेंट, यू नो लाइक ओवरऑल सर्वांगीण विकास के लिए, यू नो लाइक एक कार्यक्रम पायलट बेसिस पर यह कार्यक्रम शुरू होता है भारत में, है ना, और इसकी शुरुआत होती है 1948 में। ये काफ़ी हद तक आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो आपका आंसर जो होगा इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर निश्चित रूप से जो होगा ये जो एक तरीके से आपका आंसर 1948 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज रिटन, दिस इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोविंस इन द ईयर 1948। उत्तर प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम, दिस इटावा पायलट प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज ए फोर रनर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है इससे इंस्पायर्ड होकर के या इससे जो है इसके इसके सक्सेस को देखते हुए बाद में भारत में एक फुल फ्लेज्ड नेशन वाइड जो कार्यक्रम शुरू होता है वो एक तरीके से कह लीजिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के मतलब रूप में इसकी परिणति होती है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट में जो सबसे की रोल प्ले किया था वो प्ले किया था अल्बर्ट मेयर ने, ही वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड हु हैड स्टार्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड होल दिस यू नो लाइक एक्सरसाइज विच इज नोन एज इटावा पायलट प्रोजेक्ट। एज फार एज यू नो लाइक द मेजर प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन विच इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज कंसर्न, अगर हम सिद्धांतों की बात करें किन सिद्धांतों किन फिलोसफी पर जो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट बेस्ड था, तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफी या सिद्धांत था वो था प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। इसमें ये मतलब अल्बर्ट मायर का साफ तौर पर मानना था कि We cannot help people until they do not help themselves. तो हम लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते हैं, विकास की प्रक्रिया तब तक वो तीव्र गति से नहीं हो सकती जब तक लोग अपनी मदद जो है खुद नहीं करते हैं। तो सेल्फ हेल्प वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइक प्रिंसिपल ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट। एंड देन ऑफकोर्स इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित ये जो है कार्यक्रम था। साथ ही साथ इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया गया, इंटीग्रेटेड अप्रोच आप किस तरह समझ लीजिए कि इसमें डेवलपमेंट को एक सर्वांगीण आयाम माना गया, मतलब अगर विकास है विकास एक स्पोरेडिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, इट शुड बी इन इंटीग्रेटेड मैनर। तो आप देखेंगे जो वेरियस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चाहे वो यू नो लाइक एग्रीकल्चर हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या दूसरे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सारे लोग जो है एक तरीके से एक रूप में इसमें काम करने का प्रयास करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में। ठीक है, देन ऑफकोर्स जो ये कार्यक्रम था वो
लोगों की फेल्ट नीड पर आधारित था. इट वॉज नॉट ए प्रोग्राम व्हिच वॉज इम्पोज अपॉन द पीपल बट इट वॉज द प्रोग्राम व्हिच हैड स्टार्टेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ द पीपल. ये जो कार्यक्रम है वो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके इसको जो है नियोजित किया गया था, प्लानिंग इसकी की गई थी और साथ में इसको रन किया गया. ठीक है, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले रिग्रस प्लानिंग की गई और रियलिस्टिक टारगेट सेट किए गए. मतलब ऐसे टारगेट नहीं सेट किए कि जो अनअचीवेबल हो शॉर्ट टर्म में, तो उन उद्देश्यों को मतलब उन उद्देश्य जो है ऐसे उद्देश्य इस प्रोग्राम में रखे गए जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो. साथ ही साथ इसमें कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन थे उनका भी सहयोग इस कार्यक्रम में लिया गया इस इटावा पायलट प्रोजेक्ट में. ठीक है, देन ऑफ कोर्स क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सटेंशन सर्विस एंड सप्लाई एजेंसी एंड कोलैबोरेशन बाय टेक्निकल एंड सोशल साइंटिस्ट. इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक जो है कह लीजिए एक जो इम्पोर्टेंट रोल था वो था कि क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट यू नो लाइक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ओके, तो ये जो है मेजर फीचर्स थे इटावा पायलट प्रोजेक्ट के. साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट ने जो एक बेसिक जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया जो है उसने इस प्रोजेक्ट के बाद वी हैड ए एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न यू नो लाइक एक डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास एक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बन गई. ऑफ कोर्स इनिशियली वी डू नॉट हैड दैट मच आइडिया बट लेटर जो है वी हैड ए एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न बेस्ड अपॉन व्हिच वी कैन प्लान एंड इम्प्लीमेंट सर्टेन प्रोग्राम्स. ओके, एंड देन ऑफ कोर्स एट विलेज लेवल एक जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है अगर इटावा पायलट प्रोजेक्ट में वो है कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर. तो आप देखेंगे ये जो कंसेप्ट है मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर, तो एक ये एक नया इनोवेटिव अप्रोच था इस आइडिया में. इससे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ विलेज गाइड आता है प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम में जब हम गुड़गांव प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, और यहाँ पर उसी से संबंधित एक तरीके से ये जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट है. मतलब एक तरीके से कि यहाँ पर मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर जो है एक तरीके से इंट्रोड्यूस किए गए, और इनका काम था गाँव के विभिन्न जो है विकास कार्यों को देखना जो है एक तरीके से. तो एक जो मल्टीपर्पज विलेज वर्कर होता था उसके अंतर्गत उसको ही हैज़ टू लुक आफ्टर अराउंड 4 to 5 विलेज. तो एक जो मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर होते थे उनको 4 to 5 गांव के विकास का जिम्मा एक तरीके से विकास कार्यों के जो भी स्कीम्स थे चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे वो कृषि विभाग की हो, चाहे वो अन्य शिक्षा विभाग की हो, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर को दी गई है ना. और द प्रोजेक्ट वॉज सुपरवाइज्ड बाई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर. ओवरऑल अगर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो DPO मतलब जो डिस्ट्रिक्ट DC होता था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर जो है ही वॉज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ दिस इन लाइक प्रोजेक्ट. ओके, एंड ऑफकोर्स फॉर हिज असिस्टेंट देर आर 4 स्पेशलिस्ट एंड देन ऑफकोर्स देर आर सम सपोर्टिंग स्टाफ. तो आप देखेंगे इन दिस वे इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज ए वेरी पायनियर प्रोजेक्ट व्हिच वाज स्टार्टेड जस्ट आफ्टर यू नो वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1948. एज फार एज ऑब्जेक्टिव ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज कंसर्न, क्या क्या उद्देश्य थे, तो इसमें थे लोगों के यू नो लाइक मानसिक विकास करना, उनमें मानसिक परिवर्तन लाना और ये विश्वास दिलाना, ये स्पिरिट डेवलप करना कि डेवलपमेंट इज पॉसिबल, चेंज इज पॉसिबल एंड पॉजिटिव चेंज इज पॉसिबल. ठीक है, देन ऑफ कोर्स अराउजिंग देयर इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव लोगों में रुचि का विकास करना ताकि वह विकास की प्रक्रिया में सहभागिता कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रुचि ले सकें. ठीक है, देन ऑफ कोर्स टू अवेकन द डिजायर ऑफ रूरल पीपल एंड टू मेक देम लेबोरियस. लोगों में यू नो लाइक जो है ऑफकोर्स ग्रामीण लोग पहले से भी काफ़ी मेहनती होते हैं, साथ ही साथ उसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न करना कि चेंज इज पॉसिबल और उसमें रियल बदलाव जो है चेंज के लिए एक जो है रियल बदलाव लाने का जो है प्रयास इस जो है कार्यक्रम में किया गया. साथ ही साथ कृषि एवं एनिमल हस्बेंड्री का विकास के बारे में ध्यान रखा गया, पंचायती जो व्यवस्था थी उसको रिवाइव करने का प्रयास किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती व्यवस्था को, उसके साथ ही साथ लोगों में आत्मविश्वास, सहयोग एवं सहभागिता, ये तीन चीज़ें
सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन एंड मास पार्टिसिपेशन, इसको बढ़ावा दिया गया। क्योंकि इस कार्यक्रम का मानना था कि जो बेसिक फिलॉसफी थी कि कोई भी कार्यक्रम तब तक बहुत ज़्यादा हद तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें लोगों का जेन्युइन पार्टिसिपेशन मास लेवल पर इंश्योर नहीं किया जाता। तो इसमें इस पर खास ध्यान दिया गया, इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल फॉर होम द वर्क वॉज बींग डन। ओके, देन ऑफ कोर्स देयर वर सम अदर ऑब्जेक्टिव आल्सो, लाइक टू सीक द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग दिस प्रोजेक्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। तो एज आई वॉज टेलिंग, दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द एटा टावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट वॉज ए पायलट प्रोजेक्ट, है ना। तो इसमें यह था कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल होता है तो इसको कैन बी अप्लाई सेम मॉडल इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इस पर जो है ध्यान दिया गया। तो ये भी एक मुख्य तौर पर ऑब्जेक्टिव था। और विलेज सैनिटेशन पर काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान मतलब बात की गई। एंड देन ऑफ कोर्स लोगों में एक सामुदायिक यू नो कम्युनिटी फीलिंग की जो है सामुदायिक भावना के विकास करने की बात की गई। साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर के विकास के साथ साथ सामाजिक जो है सुधार पर जोर दिया गया। और इसमें जैसा मैंने कहा, दिस प्रोग्राम वाज बेसिक फिलॉसफी ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू सेल्फ हेल्प जो है। तो ये सारे जो है मतलब मुख्य तौर पर इस इटावा पायलट प्रोजेक्ट के मेजर ऑब्जेक्टिव थे। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज ए वेरी साइलेंट एंड मतलब पायनियर प्रोजेक्ट व्हिच वाज एक्टेड एज ए फोरनर फॉर CDP। ओके, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर जो है CDP जो है 1952 में इसकी शुरुआत, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1952 में होती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है उस पर हम बात करेंगे, जिसका नाम है नीलोखेरी प्रोजेक्ट सी। तो नीलोखेरी प्रोजेक्ट जो है जैसा सी, इसके पीछे का कंटेक्स्ट जो, इसके पीछे का जो प्रसंग है वो आपको जानना आवश्यक है। सी एज वी गॉट फ्रीडम, जब हमें आज़ादी मिलती है तो उसके साथ एक जो है बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी जुड़ी हुई है। उसी के साथ हमारा देश जो है कई सारे राजनीतिक कारणों की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से देश का बंटवारा हो जाता है। तो देश का जब बंटवारा होता है तो बहुत सारे जो है इमिग्रेंट्स कह लीजिए, शरणार्थी कह लीजिए, जो है पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान है वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी जो है भारत में आते हैं। उसी प्रक्रिया में जो है लगभग 7,000 जो है शरणार्थी जो है भारत में, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा आते हैं बट इस लाइक प्रोजेक्ट के तहत जो है जो 7,000 शरणार्थी भारत में इमिग्रेंट्स आते हैं उनको उनके पुनर्निवास के लिए, उनको रीहैबिलिटेट करने के लिए, रीस्टैब्लिश करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है चलाया जाता है। और ये प्रोजेक्ट जो है शुरू होता है जुलाई 1948 के अराउंड। और इसमें जो सबसे की रोल जो प्ले करते हैं उनका नाम है SK Day। ओके, सो ही वाज द मैन बिहाइंड दिस नीलोखेरी प्रोजेक्ट। ओके, एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज नेम्ड एज मजदूर मंजिल। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वाई दिस प्रोजेक्ट वॉज नेम्ड एज मजदूर मंजिल। ओके, तो आप देखेंगे सी इस ये प्रोजेक्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, यू नो लाइक देर नो फूड विदाउट वर्क। ओके, तो मतलब लाइट वे में ये था कि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, है ना, मतलब ऐसे। तो इसमें यह था बेसिक फिलोसफी इसके तहत ये था कि लोगों में जो है लेबर, श्रम की भावना का विकास करना और श्रम के महत्व को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो दिस प्रोजेक्ट नीलोखेरी प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज मजदूर मंजिल प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो लाइक क्वेश्चन है फ्रॉम द वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप ICER JRF का एग्जाम दे रहे हैं या कई बार इस तरीके से यू नो नेट या अन्य परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछा जाता है। बाकी ये जो प्रोजेक्ट जो है शुरू होता है, ये शुरू होता है अराउंड जो है करनाल और कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वहाँ पर लगभग 1100 के एकड़ के आसपास जो है स्वैम्पी लैंड होती है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। और उसमें एक प्रोजेक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी होता है टू डेवलप एंड द स्वैम्पी लैंड इनटू ए कल्टीवेबल लैंड, है ना। तो अंडर दिस प्रोग्राम द मेन एक्टिविटीज वर द वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग से यहाँ पर मतलब है एक तरीके से लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो कोई ना कोई अपना कार्य जो है शुरू कर सके। और ये व्यवसायिक प्रशिक्षण की जो शुरुआत होती है उसमें लोगों को चॉइस दी गई, मींस जो लोग जिस तरीके से जो भी उनके पास स्किल सेट था या जो भी वो सीखना चाहते थे उस तरीके के वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई यहाँ पर। और एक तरीके से ये टाउनशिप प्रोजेक्ट था जो कि अपने आप में एक कॉलोनी था जहाँ पर डेयरी
पोल्ट्री पिगरी प्रिंटिंग प्रेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप ट्रेनरी बोन मिल फैक्ट्री इन सारे एस्पेक्ट पर जो है प्रशिक्षण जो है लोगों को दिया गया जो जिस में मतलब दक्षता लेना चाहता था वो उसको उस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण दिए जाते थे और इससे जो है उनमें सेल्फ यू नो लाइक एक तो कार्य उनको मिल जाएगा रोजगार और दूसरा उनमें सेल्फ एक तो के जो टाउन होगा वो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट होगा है ना। तो इस तरीके से मतलब ये कार्यक्रम शुरू होता है। पीपल वर गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ देयर चॉइस जैसा मैं कह ही रहा था कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को उनके उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है प्रशिक्षण दिया गया। दीज कोऑपरेट आई मीन टू रन दीज कोऑपरेटिव इंटरप्राइज राइट ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर फॉर सिक वर आल्सो गारंटेड। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो जो है एक तरीके से सुविधाओं का एक तरीके से जो है गारंटेड यू नो इस प्रोजेक्ट के तहत ये दी गई थी है ना। साथ में अगर हम मुख्य तौर पर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सेल्फ सफिशिएंसी फॉर रूरल कर अर्बन टाउनशिप इन ऑल एसेंशियल। तो ये जैसा मैंने कह रहा था कि नीलू खरी प्रोजेक्ट वाज ए बेसिकली रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट इन विच ए टाउनशिप वाज बीइंग डेवलप्ड। ओके तो टाउनशिप का जो कंसेप्ट है इसको जो है अपने आप में एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि वो जो टाउन है रूरल कम अर्बन टाउन है वो अपने आप में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। साथ ही साथ जो है लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई और इसमें जो मिडिल मैन का रोल था उसको जो है कम कर दिया गया और एक जो मेजर यू नो लाइक ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का वो था इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्वैम्पी लैंड एंड उसको कन्वर्ट करना था हमें कल्टिवेबल लैंड में। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो है मेजर जो है मुख्य तौर पर ये दो जो है कार्यक्रम था जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता था। बाकी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसके बारे में मैं दूसरे अन्य लेक्चर में आपसे बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आप अपने फीडबैक जो है हमें मेरे ईमेल आईडी जो rawish4700@gmail.com पर अपने क्वेरी सजेशन फीडबैक आप दे सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल।